¿Qué, bro? ¿Qué? ¿Ni quieres contar? Dejo esa, dejo. सर यहाँ पे यहाँ पे मेरे पास देखो दुकान के पास थैंक यू तेरा किधर है अरे तू उधर रहे ना एड़े उधर चार कैमरे से आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस चीज़ से रिलेटेड है लेकिन ये एक छोटा सा मैसेज है उन सभी बच्चों के लिए जो अपने माँ बाप को किस तरीके से रखते हैं किस तरीके से बिहेव करते हैं कितनी रिस्पेक्ट करते हैं अपने अपने माँ बाप की वो चाहे उनकी मम्मी हो चाहे मदर इन लॉ हो किस तरीके से बिहेव करते हैं उस चीज़ पे है तो मैं चाहूँगी प्लीज़ आप लोग ये फिल्म देखें और जो भी मैसेज हम लोग पास ऑन करना चाह रहे हैं उस मैसेज पे बहुत 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 सारा ध्यान दें ओके आपके बारे में जानना चाहेंगे आपके और आपके मॉम की बॉन्डिंग कैसी एक्चुअली ऑफकोर्स हर माँ और उसके बच्चे की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होती है और मेरे ख्याल से मेरी मम्मी दोस्त है मेरी इसी वजह से आज मैं एक छोटी सी लखीमपुर जैसी जगह से निकल के यहाँ पे आई हूँ इतना बड़ा मौका उन्होंने मुझे दिया जो मोस्टली हमारे नॉर्थ में किसी को नहीं मिलता है तो उसके लिए मैं अपनी मॉम को थैंक यू बोलना चाहती हूँ एंड ऐसी बहुत सारी चीज़ें जिनसे कभी भी मैंने अपनी मॉम को हर्ट किया हो
वो शायद वो उस वक्त बोल नहीं पाई, लेकिन बाद में मुझे एहसास हुआ लेकिन उस वक्त मैं सॉरी नहीं बोल पाई। तो ऑफकोर्स मैं सॉरी बोलना चाहूँगी कि अभी मैं सॉरी बोलना चाहूँगी अगर मुझसे कोई भी गलती हुई, अभी मैं आप लोगों के सामने बोल रही हूँ एंड ऑफकोर्स अपनी मॉम के सामने भी बोलूँगी कि अगर मुझसे कोई भी गलती की हो, मैंने कुछ भी अनजाने में गलती हो गई हो, उसके लिए हम सो सॉरी। ओके चिराग सर, आपसे जानना चाहेंगे आप क्या प्ले कर रहे हैं? बेसिकली ये जो स्टोरी है वो तीन लोगों के बीच में है, मैं, फारूक चौहान एंड जरीना वाहिब। ओके बेसिकली ये तीन लोगों के बीच में है मूवी, मैं, फारूक चौहान और जरीना वाहिब। ये जो मूवी है बेसिकली एक ऐसा है कि हर इंसान गलती करता है, आप हो मैं हो, वी आर ह्यूमंस, तो सबसे गलती होती है। तो ये जो कंसेप्ट है बेसिकली माँ के ऊपर है कि माँ के साथ हम कितनी गलतियाँ करते हैं बट फिर भी माँ आखिर माँ होती है। तो आप जब ये मूवी देखेंगे तो आई एम श्योर आपको अपनी माँ की ज़रूर याद आएगी, एंड आप अगर जो अपनी माँ को कुछ सॉरी बोलना चाहते हैं और आपने शायद नहीं कहा होगा तो ये मूवी देखने के बाद डेफिनेटली घर जाके आप उनको सॉरी कहेंगे, एंड आई एम श्योर कि मूवी के एंड में आपके आँख में पानी होगा एंड ये मूवी देखने के बाद पता चलेगा क्यों। मेरे ख्याल से ऑफकोर्स सोशल मीडिया एक ऐसी चीज़ है जहाँ पे बच्चे जाके शायद उन चीज़ों में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। पहले ऐसा होता था कि हॉट स्टार नहीं था या वूट नहीं था तो लोग घर पे बैठ के टीवी देखते थे, तो साथ में टाइम स्पेंड होता था, आपस में बातें होती थी मम्मी पापा से। लेकिन अभी सब कुछ फ़ोन पे आ गया है तो बच्चे मोस्टली बाहर रहते हैं, गाड़ी में बैठ के चेक करके सब कुछ अपने में ही बिजी रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से उन बच्चों के लिए एक सीख होगी ये फिल्म, जब वो देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा कि ओ उनसे भी बहुत सारी गलतियाँ हो रही थी। काफ़ी बार हम उन चीज़ों को पीछे छोड़ देते हैं और इतना आगे बढ़ जाते हैं कि वापस जाने का मौका ढूंढते हैं कि शायद वो जो टाइम है वही लाइफ में वापस आ जाए तो हम उस पल को एंजॉय कर सकें। तो आजकल की जनरेशन के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप लोगों को थोड़ा सा भी टाइम मिलता है अपनी फैमिली के साथ स्पेंड करने के लिए तो प्लीज़ उसको जाने मत दीजिए अपने हाथ से, क्योंकि जो टाइम अगर चला गया तो वापस नहीं आएगा। ये फ़ोन, ये सोशल मीडिया, ये टीवी, वो हमेशा आपके साथ रहेगा, लेकिन वो जो टाइम है प्लीज़ उसकी वैल्यू कीजिए। एंड स्पेशली मॉम्स, बिकॉज मॉम्स आर द मोस्ट ब्यूटिफुल थिंग दैट कैन हैपन टू यू। मतलब भगवान खुद नहीं है लेकिन मॉम की जगह पे यहाँ पे है, एंड आई एम श्योर कि हम सबको उनको उनकी पूरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए, उनका पूरा ख्याल रखना चाहिए। ओके फारूक मैम, आल्सो कांग्रेचुलेशंस, डेट आ चुकी है 12 दिसंबर को, तो क्या कैसे शॉपिंग चल रही है, क्या चालू है? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच, आज मेरे लिए हम लोगों के लिए बहुत बड़ा दिन है, आप सबकी ब्लेसिंग्स चाहिए हमें कि हम एक नई जिंदगी की शुरुआत करने जा रहे हैं। शॉपिंग अभी शुरू नहीं हुई है, थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है, अभी ऑफिशियल डिक्लेरेशन शुरू हुआ है, शॉपिंग बाद में शुरू होगी। तो अभी शॉपिंग की बारी है, काफ़ी कुछ चिराग की जेब खाली होने वाली है, अच्छे से शॉपिंग करनी है। और जितने लोगों को सेट पे भी पता चला, ये हमारे जितने भी फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, जिनको भी पता चला, सबकी सब बहुत खुश हुए। राजन सर से स्पेशली मैंने चिराग को मिलवाया था तो ही वॉज वेरी हैप्पी, वो भी आने वाले थे आज बट उनको किसी काम की वजह से वो नहीं आ पाए, बट वो आने वाले थे। सो बस यार बहुत खुश हूँ, मेरे फेस पे स्माइल में इतनी बड़ी बत्ती सी देख के लग रहा होगा। बस बस आप लोगों की दुआ चाहिए, ब्लेसिंग्स चाहिए, विशेस चाहिए, दैट्स ऑल वी नीड। थैंक यू एशिया कप, हमारा मैच एशिया कप, तो अपनी टीम को आप विशेस देंगी? Yes, yeah. definitely. We both together and our entire team together would like to wish the entire team best of luck, play well, do well. Thank you so much. छोटा सा बाइट कर लो।
श्योर कॉन्ग्रेचुलेशंस, बहुत ही मस्त क्रिएट हो चुका है आपकी शॉर्ट मूवी में. क्या कहना चाहिए, व्हाट इज ऑल अबाउट, अगर थोड़ा बहुत बता पाए. ब्यूटीफुल स्मॉल वन लाइन जो हम लोग अपने सास ससुर के साथ बिहेव करते हैं और उनको ओल्ड एज होम बेचा जाता है, ये उस पर बनाया है उन्होंने. एंड इट्स अ वेरी टच एंड इमोशनल थिंग और करते वक्त मुझे बहुत मज़ा आया है. ओके, बॉन्डिंग की बात की जाए, आप अपने सूरज और सना के कैसा बॉन्डिंग शेयर करते हैं, थोड़ा बहुत बता पाए. इट्स अबाउट बॉन्डिंग. हर माँ को अपने बच्चों के साथ बॉन्डिंग तो होती है. बच्चे मोस्टली दे आर वेरी क्लोज टू मदर एंड बस उससे ज़्यादा क्या बोल सकते, सब बच्चे माँ के करीब होते हैं. ओके जी, बहुत अच्छा रहा. हमने एक दिन में शूट कर लिया था, इट्स अ स्मॉल वन लाइन थिंग. जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चे उनके साथ कैसे बिहेव करते हैं, एंड ये एक लेसन है, एक मैसेज है इसमें जो मुझे बहुत अच्छा लगा. जैसे सुनते ही मैंने कहा कि मैं कर, अरे उसका तो क्या कहना है, जितना भी कहूँ कम है सोशल मीडिया के बारे में. उसकी वजह से हर काफ़ी चीज़ें बहुत आसान हो गई हैं. तो उसको मैम सोशल मीडिया की बात करें तो सोशल मीडिया जहाँ जितना एक्सटेंड हो रहा है, प्रोग्रेस हो रहा है, वहाँ जनरेशन का जो कनेक्टिविटी वो भी कहीं ना कहीं छूटते जा रहा है, क्योंकि वो ज़्यादातर सोशल मीडिया में ही बिजी रहते हैं, इतना कनेक्ट नहीं कर पाते. तो उसके बारे में क्या कहना, सोशल मीडिया भूल जाइए. जब से ये मोबाइल आया है, मोबाइल की वजह से खैर घर में एक घर में बैठे हैं सब लोग, मोबाइल पे ही बातें करते रहते हैं आपस में, वो बॉन्डिंग जैसे पहले थी वो नहीं है. ओके मैम, लास्ट आपको चौक एंड दर्शक में देखा था, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस. नेक्स्ट फिल्म कब देख पाएगा और भी दर्शक आपको और देखना चाहते हैं? अच्छा, अभी एक फिल्म आने वाली है मेरी, जंक्शन वाराणसी, उसमें भी मेरा बहुत अच्छा रोल. ओके, तो मैम थोड़ा अगर बता पाए. नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, मुझे मैच के बारे में कुछ, गेम्स के बारे में मत पूछिए, मेरा बेस्ट विशेस दे दीजिए. हाँ, जो भी अभी मैच होने वाला है उसके लिए मेरी तरफ से दिल से शुभकामनाएं. नवरात्रि आ रही है, नवरात्रि की शुभकामनाएं देना चाहेंगे. एक मिनट, नवरात्रि के बारे में. नवरात्रि तो ऐसी है कि वो हर कोई सेलिब्रेट करना चाहेगा. मैं खुद नवरात्रि का वेट करती हूँ, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा सा माहौल होता है और बहुत लाइवली होता है, अच्छा लगता है. नौ दिन कैसे निकलते हैं आप? मेरे नौ दिन तो खैर मैं करती नहीं इसलिए मुझे पता नहीं, लेकिन जहाँ इनवाइट करते हैं वहाँ जाते हैं और डांस वांस करते हैं, बहुत मज़ा आता है. थैंक यू क्या पसंद किया सेंटर में
सर सोलो सर सर सेंटर सर यहाँ पे सेंटर दिस कैमरा नाउ सेंटर राइट राइट सेंटर कैमरा या लुक एट सेंटर ऑल ऑफ हियर या दिस कैमरा ये बाबा दादा शंकर काम कर रहे तिकडे उठो हां ये बाबा ये मार्केट ये जल्दी सेल्स मैन लुक एट दिस कैमरा अरे दो मिनट दिस कैमरा थोड़ा पाटील Like, share and subscribe to TV Next Bollywood.